अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ ओरियो आइसक्रीम, बिल्कुल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाऊंगी। और ये देखिए कितनी रिच और क्रीमी बनी है, तो बहुत जल्द से बन जाती है। आप लोग बच्चों को अपने घर में बना कर दें, बहुत ज़बरदस्त बहुत डिलीशियस बनती है ये आइसक्रीम। बच्चे इसे बहुत इंजॉय करेंगे। बच्चे क्या, ये तो बड़े भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं, और बिल्कुल बाहर जैसे मार्केट का टेस्ट आएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब मैंने इसके लिए ले लिए ओरियो कुकीज़, ओरियो बिस्किट 4 ले लिए हैं। आप 4, 5, 6 जितने लेना चाहें ले सकते हैं। और मैंने इसे अपने हाथ से ही सिर्फ क्रश कर लिया है मोटा मोटा। और मैंने एक पैकेट क्रीम ले लिया है, 200 ग्राम जो होता है, एक पैकेट क्रीम ले लिया है। और मैं इसे जूसर ग्राइंडर में डाल दूँगी। अब इसके अंदर ही मैं कोमेल होता है, कंडेंस मिल्क आता है, 150 ग्राम मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। अब मैं इसे देखें अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं आएगा। और अगर आपके पास ये मिल्क पाउडर नहीं है घर के अंदर अवेलेबल, तो आप इसे स्किप कर दें, इससे कोई मसला नहीं आएगा। देखिए फिर मैंने इसे फिर से ब्लेंड कर लिया है। अच्छा अब देखें ये जो है ना, इसके अंदर जो मैंने ओरियो कुकीज़ क्रश किए थे हाथ से, आधे मैंने इसके अंदर डाल के इसे ब्लेंड कर लिया, आधे मैंने संभाल लिए हैं, वो मैं बाद में ऊपर डेकोरेट करूँगी, ठीक है। अच्छा अब जो है ना, मैंने एक बॉक्स ले लिया है। आप आइसक्रीम का बॉक्स हो तो उसमें डाल लीजिए, आपके पास कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स हो आप उसमें डाल सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। तो मैंने जो ग्राइंड किया था प्रेस, वो मैंने सारा एक बॉक्स के अंदर डाल दिया है। अब देखिए मैं ऊपर से, इसके ऊपर से जो क्रश किए हुए मैंने कुकीज़ रखे थे आधे, वो मैं अब इसके ऊपर डाल दूँगी। और इसे अच्छा से एक बार टैप कर लूँगी, मतलब एक बार बस बॉक्स को नीचे मार के एक दफ़ा टैप कर ले, ताकि इसकी एयर निकल जाएगी बाहर। और बस फिर मैं इसका बॉक्स का लिड बंद करके और इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। अगर आप चाहें तो पूरी रात रख सकते हैं, या तो पूरा दिन भी रख सकते हैं। मैंने इसे 9 घंटे रखा था, और 9 घंटे के बाद ये बहुत अच्छी क्रीमी सी बन के रेडी हो गई आइसक्रीम। और ये आप देखें इतनी ज़बरदस्त और क्रीमी टेक्सचर की बनी है, और बिल्कुल क्रिस्टल फ्री बनी है, बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी, बिल्कुल इसके ऊपर क्रिस्टल नहीं आया, बहुत क्रीमी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।